चाइना आज वो देश है जिसने जीरो से हीरो तक का सफर लगभग 10 से 15 सालों में सफर किया है। एक एक प्रोग्राम जो आपने पहले शुरू किया है, नाम याद नहीं रहता क्योंकि हर दिन स्लोगन चेंज हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ आप सारे प्रोग्राम्स उठाकर देख लीजिए, सारे प्रोग्राम्स फेल हो रहे हैं। चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, ऑनरेबल सर, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, यूरोप और अमेरिका ने इंस्टॉलेशन पे लगाया, चाइना का सारा माल यूएस में लगता गया। चाइना में लगभग 2000 बिगर प्लेयर हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, तो आप ले लीजिए 5-10 प्लेयर एक तरफ बड़े इंडिया में और दूसरी तरफ 2000 प्लेयर चाइना में। माननीय श्री संदीप कुमार पाठक। धन्यवाद चेयरमैन सर। सर, भारत के जो सोलर मिशन है और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिशन है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें जो विजन है उसको देखकर मुझे और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को जो इस पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत दुख होता है और बहुत डिमोटिवेटिंग सा फील आता है। मैं इसका कारण आपको बताता हूं। ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश के पास रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इतनी संभावनाएं हैं, संभवतः इस पूरे विश्व में किसी भी और देश के पास वो संभावनाएं ना हो। अगर मैं सोलर अकेले की बात करूं तो हमारे देश में 300 ऐसे दिन हैं जो सनी है, सूरज की किरण वहां पर पड़ती है। जिस देश में 300 सनी डेज यू हैव, आप अपने सारी एनर्जी की जो आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ सोलर से पूरा कर सकते हैं। फिर कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां दिक्कत हो रही है, ये समझने की बात है। ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश की बात शुरू करने से पहले एक बारी मैं चाइना को बीच में लाना चाहता हूं, क्योंकि चाइना आज वो देश है जिसने जीरो से हीरो तक का सफर लगभग 10 से 15 सालों में सफर किया है। ऑनरेबल चेयर सर, आप देखिए कि चाइना का मोटिवेशन क्या है सोलर मिशन या रिन्यूएबल एनर्जी में। चाइना का मोटिवेशन है ग्रोथ, चाइना का मोटिवेशन है जॉब क्रिएशन। इंडिया का क्या मोटिवेशन है? इंडिया का मोटिवेशन है कि CO2 के जो एमिशन है उसको कम करना। इंडिया का विजन क्या है? इंडिया का विजन ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल प्रेशर में आके एक कमिटमेंट देके, ये विजन में अंतर जो है ऑनरेबल चेयर सर, यही आपके ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ होना है और फ्यूचर ये है, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जब तक आपके सीने में जलन नहीं होगी कि इसको इंप्लीमेंट करना है, एनर्जी में आपको सर्व सक्षम बनना है और पूरे विश्व को लीड करना है, तब तक ये होने वाला नहीं है। ऑनरेबल चेयर सर, आप देखिए, भारत ने, हमारे देश ने 2022 तक 100 गीगावाट का टारगेट रखा था जो हम मिस कर गए। हमने 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट रखा है, मतलब 50% लगभग हमारी पूरी ऊर्जा की आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी से आनी है। अब आज जिस स्थिति में खड़े हैं, वहां से वहां तक पहुंचने के लिए लगभग इसका 70% हमको अचीव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कहां से होगा? क्या हमारी पॉलिसीज सही है? क्या हमारे पास पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है? क्या हमारे पास विजन है? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ आपके कोऑपरेशंस हैं? ओवरऑल आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो? आप अपने सारे प्रोग्राम्स को उठाकर देख लीजिए। मैं पूरी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं, एक एक प्रोग्राम्स जो आपने पहले शुरू किया है, नाम याद नहीं रहता क्योंकि हर दिन स्लोगन चेंज हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ, आप सारे प्रोग्राम्स उठाकर देख लीजिए, सारे प्रोग्राम्स फेल हो रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, सबसे पहले मैं पॉलिसी को लूंगा। पॉलिसी में अगर देखेंगे, तीन महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती, बहुत गंभीर विषय है, ध्यान दीजिएगा। लैक ऑफ क्लैरिटी इन विजन, डिलेड एंट्री एंड इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। लैक ऑफ क्लैरिटी इन विजन, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपका विजन सिर्फ CO2 इमिशन कम करना है, तब तो हम कभी नहीं कर सकते, वो जस्ट टाइम पास होते रहेगा, चलते रहेगा। अगर तो आपका विजन है कि पूरी दुनिया को लीड करना है, अगर तो आपका विजन है कि हम फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी खत्म करना है, तब आप जाकर कुछ कर सकते हो। हमें यही नहीं पता है कि हमको फोकस किस पे करना है। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहते हो या आप इंस्टॉलेशन पे फोकस करना चाहते हो? आपको अगर फोकस पता होगा तब वहां आप सब्सिडी डालोगे। क्या आपको सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग में डालना है, क्या आपको सब्सिडी इंस्टॉलेशन पे डालना है, आपको पता ही नहीं है। आपके इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज कॉस्ट कर रहे हैं पूरे सेक्टर को। पिछले एक थोड़े समय पहले आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी,
आपको लगा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, आपको पता ही नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर करने के सिचुएशन पे नहीं हो, आपने फिर वापस एक साल बाद उसको घटा दिया। तो ऐसे पॉलिसी डिसीजन एक साल में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कोई व्यक्ति अब नया प्रोजेक्ट बनाता है, नया प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज होने में ही 2 साल लगते हैं, एक प्रोजेक्ट 2 साल में मटीरियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, और आप एक साल में अपने नियम बदल दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।